दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया की सभी स्टेट्स की रिलीजन की पॉपुलेशन के बारे में। ये सभी डाटा हमने 2011 पॉपुलेशन सेंसस से लिया है और 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 121 करोड़ के आसपास, जिसमें हिंदूज की टोटल पॉपुलेशन थी 79.80%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 96 करोड़ बनते हैं, और मुस्लिम की पॉपुलेशन थी 14.23%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17.22 करोड़ बनते हैं, और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन थी 2.30%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.78 करोड़ बनते हैं, और सिख की पॉपुलेशन थी 1.72%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.08 करोड़ बनते हैं, और अदर्स में हमने बाकी सभी रिलीजन्स लिए हैं, जैसा कि जैन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, और उसके बाद कुछ एथिस्ट भी। तो अदर्स की जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया में वो थी 1.95%। तो दोस्तों चलिए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंडिया की हर एक स्टेट के हम रिलीजन की पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। तो सभी रिलीजन्स को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम हर किसी स्टेट के टॉप 4 रिलीजन्स को कवर करेंगे। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग थी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन थी 19.98 करोड़, जिसमें हिंदूज 79.73% थे, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, क्रिश्चियन 0.18% और अदर्स में थे 0.51%। और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन थी 11.24 करोड़, जिसमें हिंदूज 79.83% थे, मुस्लिम 11.54%, बुद्धिस्ट 5.81%, जैन 1.25% और अदर्स में 1.57%। और थर्ड नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी बिहार। तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन थी 10.41 करोड़, जिसमें हिंदूज 82.69%, मुस्लिम 16.87%, क्रिश्चियन 0.12%, सिख 0.02% और अदर्स में 0.3% लोग रहते थे। और फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग है 9.13 करोड़, जिसमें हिंदू 70.54%, मुस्लिम 27.01%, क्रिश्चियन 0.72%, बुद्धिस्ट 0.31% और अदर्स में 1.42%। और फिफ्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का ही डाटा है, क्योंकि 2011 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थी जिसे आंध्र प्रदेश कहते थे। तो 2011 में आंध्र प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन थी 8.46 करोड़, जिसमें हिंदू 88.46%, मुस्लिम 9.56%, क्रिश्चियन 1.34%, जैन 0.06% और अदर्स में 0.58% लोग रहते थे। और सिक्स नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग थी 7.26 करोड़, जिसमें हिंदू 90.89%, मुस्लिम 6.57%, जैन 0.78%, बुद्धिस्ट 0.30% और अदर्स में 1.46% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी तमिलनाडु। तमिलनाडु की टोटल पॉपुलेशन थी 7.21 करोड़, जिसमें हिंदू 87.58%, क्रिश्चियन 6.12%, मुस्लिम 5.86%, जैन 0.12% और अदर्स में 0.32% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है 6.85 करोड़, जिसमें हिंदू 88.49%, मुस्लिम 9.07%, सिख 1.27%, जैन 0.91% और अदर्स में 0.26% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है कर्नाटका। तो कर्नाटका की टोटल पॉपुलेशन है 6.11 करोड़, जिसमें हिंदू 84%, मुस्लिम 12.92%, क्रिश्चियन 1.87%, जैन 0.72% और अदर्स में 0.49% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है गुजरात। तो गुजरात की टोटल पॉपुलेशन है 6.04 करोड़,
जिसमें हिंदू 88.57%, मुस्लिम 9.67%, जैन 0.96%, क्रिश्चियन 0.52% और अदर्स में 0.28% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन है 4.2 करोड़, जिसमें हिंदू 93.63%, क्रिश्चियन 2.77%, मुस्लिम 2.17%, सिख 0.05% और अदर्स में 1.38% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है केरला। तो केरला की टोटल पॉपुलेशन है 3.34 करोड़, जिसमें हिंदू 54.73%, मुस्लिम 26.56%, क्रिश्चियन 18.38%, सिख 0.01% और अदर्स में 0.32% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है झारखंड। तो झारखंड की टोटल पॉपुलेशन है 3.30 करोड़, जिसमें हिंदू 67.83%, मुस्लिम 14.53%, क्रिश्चियन 4.30%, सिख 0.22% और अदर्स में 13.12% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है असम। तो असम की टोटल पॉपुलेशन है 3.12 करोड़, जिसमें हिंदू 61.47%, मुस्लिम 34.22%, क्रिश्चियन 3.74%, बुद्धिस्ट 0.18% और अदर्स में 0.39% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है पंजाब। तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन है 2.77 करोड़, जिसमें सिख 57.69%, हिंदू 38.49%, मुस्लिम 1.93%, क्रिश्चियन 1.26% और अदर्स में 0.63% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 2.55 करोड़, जिसमें हिंदू 93.25%, मुस्लिम 2.02%, क्रिश्चियन 1.92%, बुद्धिस्ट 0.28% और अदर्स में 2.53% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसमें हिंदूज 87.46%, मुस्लिम 7.03%, सिख 4.91%, जैन 0.21% और अदर्स में 0.39% लोग रहते हैं। और इंडिया की 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग 18th नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन थी 1.25 करोड़, जिसमें मुस्लिम 68.31%, हिंदू 28.44%, सिख 1.87%, बुद्धिस्ट 0.90% और अदर्स में 0.48% लोग रहते थे। तो दोस्तों, जो ये जम्मू कश्मीर का डेटा है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी दोनों को मिलाकर ही डेटा बनाया गया था, क्योंकि 2011 में जब सेंसस हुआ था तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी दोनों ही इंक्लूड थे। और नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन थी 1.01 करोड़, जिसमें हिंदू 82.97%, मुस्लिम 13.95%, सिख 2.34%, क्रिश्चियन 0.37% और अदर्स में 0.37% लोग रहते थे। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 68.65 लाख, जिसमें हिंदू 95.17%, मुस्लिम 2.18%, सिख 1.16%, बुद्धिस्ट 1.15% और अदर्स में 0.34% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन है 36.74 लाख, जिसमें हिंदू 83.40%, मुस्लिम 8.60%, क्रिश्चियन 4.35%, बुद्धिस्ट 3.41% और अदर्स में 0.24% लोग रहते हैं। तो मेघालय की टोटल पॉपुलेशन है 29.67 लाख, जिसमें क्रिश्चियन 74.59%, हिंदू 11.53%, मुस्लिम 4.40%, बुद्धिस्ट 0.33% और अदर्स में 9.15% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है मणिपुर।
तो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन है 28.56 लाख, जिसमें हिंदू 41.39%, क्रिश्चियन 41.29%, मुस्लिम 8.40%, बुद्धिस्ट 0.25% और अदर्स में 8.67% लोग रहते हैं। और 2011 पॉपुलेशन सेंसस में इंडिया की 24th नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी नागालैंड, तो नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन है 19.79 लाख, जिसमें क्रिश्चियन 87.93%, हिंदू 8.75%, मुस्लिम 2.47%, बुद्धिस्ट 0.34% और अदर्स में 0.51% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है गोवा, तो गोवा की टोटल पॉपुलेशन है 14.59 लाख, जिसमें हिंदू 66.08%, क्रिश्चियन 25.10%, मुस्लिम 8.33%, सिख 0.10% और अदर्स में 0.39% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 13.84 लाख, जिसमें क्रिश्चियन 30.26%, हिंदू 29.04%, बुद्धिस्ट 11.77%, मुस्लिम 1.95% और अदर्स में 26.98% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है मिजोरम, तो मिजोरम की टोटल पॉपुलेशन है 10.97 लाख, जिसमें क्रिश्चियन 87.16%, बुद्धिस्ट 8.51%, हिंदू 2.75%, मुस्लिम 1.35%, अदर्स में 0.23% लोग रहते हैं। और नेक्स्ट है सिक्किम स्टेट, तो सिक्किम स्टेट की टोटल पॉपुलेशन थी 6.11 लाख, जिसमें हिंदू 57.76%, बुद्धिस्ट 27.39%, क्रिश्चियन 9.91%, मुस्लिम 1.62% और अदर्स में 3.32% लोग रहते थे। दोस्तों ये थी इंडिया की सभी स्टेट्स के रिलीजन का डाटा, जिनमें हमने पॉपुलेशन वाइज जाना कि हर किसी स्टेट में किस किस रिलीजन के लोग रहते हैं। तो चलिए अब हम यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन के बारे में भी जान लें। तो जो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड थी 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग, वो थी दिल्ली। तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन थी 1.68 करोड़, जिसमें हिंदू 81.68%, मुस्लिम 12.86%, सिख 3.40%, जैन 0.99% और अदर्स में 1.07% लोग रहते थे। तो नेक्स्ट है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की टोटल पॉपुलेशन है 12.48 लाख, जिसमें हिंदू 87.30%, क्रिश्चियन 6.29%, मुस्लिम 6.05%, जैन 0.11% और अदर्स में 0.25% लोग रहते हैं। और थर्ड नंबर पे यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 10.55 लाख, जिसमें हिंदू 80.78%, सिख 13.11%, मुस्लिम 4.87%, क्रिश्चियन 0.83% और अदर्स में 0.41% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, जो कि 4th नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी थी 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसकी टोटल पॉपुलेशन थी 3.81 लाख, जिसमें हिंदू 69.45%, क्रिश्चियन 21.28%, मुस्लिम 8.52%, सिख 0.34% और अदर्स में 0.41% लोग रहते हैं। और 5th नंबर पे है दादरा एंड नगर हवेली, तो दादरा एंड नगर हवेली की टोटल पॉपुलेशन है 3.44 लाख, जिसमें हिंदू 93.93%, मुस्लिम 3.76%, क्रिश्चियन 1.49%, जैन 0.35% और अदर्स में 0.47% लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट है दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव की टोटल पॉपुलेशन थी 2.43 लाख, जिसमें हिंदू 90.5%, मुस्लिम 7.92%, क्रिश्चियन 1.16%, जैन 0.12% और अदर्स में 0.3% लोग रहते हैं। तो 7th नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी थी लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन थी 64.47 थाउजेंड, जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी थी इंडियन कंट्री की। तो लक्षद्वीप में मुस्लिम थे 96.58%, हिंदू 2.77%, क्रिश्चियन 0.49%,
जैन 0.02% और अदर्स में 0.14% लोग रहते थे। तो दोस्तों ये थी इंडिया की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के रिलीजन का डाटा, जिसमें हमने ये जाना कि पॉपुलेशन वाइज किस स्टेट में किस किस रिलीजन के लोग रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें आप कमेंट करके ये बताएं कि आप इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आपका यहाँ तक हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।